दोस्तों आपका स्वागत है कौन है ब्लॉग पे। और अभी मैं कहाँ हूँ देखो आप भाई, जितना चाहो उतना खा सकते हो ना। ये कई दूर से लाइन है, हेलीपैड से ही लाइन लगी है। एक्चुअली अपन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए यार, तो रजिस्ट्रेशन के बिना टोकन नहीं मिलती और टोकन के बिना वो दर्शन नहीं हो पाएगी। मैं भी हेलीकॉप्टर से ही आऊँगा, सोचा था कि भाई एक भी दिन ब्रेक नहीं करूँगा, लेकिन अब ब्रेक हो गई भाई। अंधेरा हो गया था और ठंड इतना बढ़ गया था भाई, इतना बढ़ गया था कि पूछो मत। ये जो हाथ है ना, ये पूरा जम चुका था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, व्हाट्सअप। कल रात में भी अब मैं पहुंच नहीं पाया था, अंधेरा हो गया था और ठंड इतना बढ़ गया था भाई, इतना बढ़ गया था कि पूछो मत। ये जो हाथ है ना, ये पूरा जम चुका था। आज का मौसम भाई बहुत सही हो रखी है, एकदम धूप है। कल तो बारिश थी, 2 किलोमीटर का बच्चा है। धूप अच्छी है भाई, आज ठंडी शायद ही लगेगी और बारिश भी नहीं होनी चाहिए। आज मज़ा आएगा कि नहीं? मज़ा भाई, पैर का सजा हो गया भाई। मज़ा एक बात कर रहा है, पैर का सजा हो गया। नेक्स्ट टाइम भाई मैं हेलीकॉप्टर से आऊँगा। पता है हेलीकॉप्टर या मच्छर के लिए पैसा रहेगा तभी आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा। यहाँ पे जियो वियो नहीं चलता है, सिर्फ एयरटेल चलता है। और अपने पास किसी के पास एयरटेल है नहीं, क्योंकि अपने तब तो जियो फेमस है ना 5G। क्या ही बोले भाई, अब हो सकता है मैं तो परसों का ब्लॉग डाला ही नहीं हूँ यार। एक दिन वेस्ट हो गया मेरा, देखता हूँ। पर अगर मोबाइल शॉप मिला तो फिर मैं लेता हूँ, खरीदता हूँ एक एयरटेल का सिम। क्या ही करूँगा, मजबूरी है, नेट चलाना ही है। क्योंकि मौसम एकदम सही हो रखी भाई, एकदम बहुत एनर्जी है। अभी चलते हैं, फिर भी 2.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी भी बचा हुआ है। थोड़ा सा ही दूर और भाई, फिर अपन पहुँच जाएंगे बाबा के पास। अभी बेस कैंप पे है, थोड़ा सा और दूर, उसके बाद वहाँ जाके थोड़ा सिम विम का जुगाड़ मैं करता हूँ, फिर डालता हूँ भाई नेक्स्ट व्लॉग। बस भाई नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं भी हेलीकॉप्टर से ही आऊँगा। मिली भाई नेटवर्क मेरे को, ये देखो टावर है यहीं पे। अभी जाके अपलोड कर रहा हूँ परसों की व्लॉग भाई। कल का तो ट्रिप मेरा मतलब वेस्ट ही हो गया समझो, डाला ही नहीं है एक भी व्लॉग। सोचा था कि भाई एक भी दिन ब्रेक नहीं करूँगा, लेकिन अब ब्रेक हो गई भाई। मेरे को भी एयरटेल का सिम लाना था। चलो छोड़ो, करेंगे भाई अब, आज से गिनती होगी 365 डेज का। बहुत लंबी लाइन है टोकन लेने के बाद, मतलब दर्शन के लिए। कई दूर से लाइन है, हेलीपैड से ही लाइन लगी है। टोकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अपना है नहीं यार रजिस्ट्रेशन। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो खैर मंदिर के साइड में बैठने जा रहे हैं अपन, और यहाँ से बाबा केदारनाथ दिखाई दे रहे हैं मेरे को। वाह एकदम सही, फाइनली भाई बाबा केदारनाथ के दर्शन हो गए। क्या ही सीन है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत बहुत बहुत। मतलब इतने किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अभी जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है, अभी जाके थोड़ा एनर्जी मिल रहा है, अभी जाके मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है भाई। पीछे की जो वादियां हैं उसको देखो यार, समझ रहे हो। और आज ऐसा मौसम है, मतलब पिछले चार दिनों से ना जो पानी गिर रही थी, पिछले 4 दिनों के बाद अभी जाके धूप आई है। धूप दोस्तों आपका स्वागत है कौन है ब्लॉग पे। और अभी मैं कहाँ हूँ देखो आप, अभी मैं हूँ भाई केदारनाथ पे। ये देखो, ये केदारनाथ की सफर देखना है तो जाके मेरे बाकी 2-3 वीडियो देखो भाई। बहुत मतलब बहुत मेहनत है भाई, यहाँ तक लेकिन पहुँच गए तो ये दर्शन समझो संपन्न हो जाती है यार इच्छा। जो भी है अभी बस अच्छा लग रहा है, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। एक्चुअली अपन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए यार, तो रजिस्ट्रेशन के बिना टोकन नहीं मिलती और टोकन के बिना वो दर्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए देखते हैं थोड़ा जुगाड़ जमाते हैं। ये वही पत्थर है भाई जो केदारनाथ को वही 2013 के बाढ़ से बचाई हुई थी। बहुत बड़ी पत्थर है भाई, और केदारनाथ का ये बैग है। और सब टेंट लगाते हैं शायद भी है भाई केदारनाथ जी के पास, और जस्ट पीछे में हम अपना टेंट लगा रहे हैं।
भाई यहाँ पे जो है ना कोई कुछ नहीं कहता भाई, कहीं भी आके मतलब केदारनाथ के पास कहीं भी आके लगा सकते हो। लेकिन नीचे पे जो है, इसके पहले एक दो किलोमीटर पहले वहाँ पे सब एरिया घेर घेर के बैठे हैं, और वहाँ कोई लगाने देता ही नहीं, एडजस्ट करके लगाना पड़ता है। आप फिर जहाँ खाली दिखे वहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। वैसे तो वहाँ साला बहुत ही पहाड़ पहाड़ मतलब मतलब ही नहीं है। यहाँ पे भाई कहीं भी लगा यार, इतना अच्छा जगह मिला हुआ है, यहाँ पे लगा सकते हो। और ये अपना स्टार्ट हो गया लगाने का, टेंट अपनी लग चुकी है दोस्तों, और अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। सीन देखो भाई, वाह फील है भाई, फील ऊपर में फील है, पीछे भाई बर्फ देखो यार, मुंह से लिटरली इतने धुआं, बाप रे। अभी सोए हैं लोग, सब सोए हैं भाई ये लोग, अभी कोई होश आवाज नहीं है भाई। इधर भी धुआं धुआं हो रहा है यार। अच्छा ये आग ताप रहे उसका है यार, रात में तो हम भी आग तापेंगे। और भाई ये 2 बजे से अपने को लाइन में लगना है भाई, तब जाके हमको दर्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक आए तो दर्शन किए बिना अपन जाएंगे नहीं भाई, 2 बजे क्यों ना हमको उठना पड़े। यहाँ के मैक्सिमम जो टेंट होते हैं वो पूरे रेंट पे चलते हैं, पूरे के पूरे रेंट में चलते हैं। भाई मेरे को एक बिजनेस आइडिया है, 500 रुपए में पर पर्सन, 500 में पर पर्सन, 500 रुपए भैया, 500 रुपए कुछ नहीं मिलेगा, टेंट मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब 500 रुपए भाई? यहाँ पे देखो लोग कैसे भीड़ जमा के बैठे, मैं आपको भाई रुकने के लिए जगह दे रहा हूँ, अंदर में आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी भाई, कुछ भी मतलब ठंडी से बचना है। हाँ तो एक चीज करना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, क्रोम में जाके क्या सर्च करना पड़ेगा, क्रोम में जाके यूट्यूब सर्च करना है, उसमें नवीन साहू ब्लॉग्स सर्च करना है भाई। क्या समझते यार भाई, तो आपने चलते भाई, शावर तो गर्मी मतलब ठंडी हो चुकी है, घोरी और घोरी के पास चलते हैं। शाम हो रही भाई धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे अभी 7:30 हो चुके हैं, फिर भी अपने यहाँ मतलब उतना अंधेला हुआ नहीं है। केदारनाथ में ये एक ऐसा ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जो 250 रुपए प्लेट तो लगाती है, लेकिन भाई जितना चाहो उतना खा सकते हो ना, ऐसा है पर पर्सन। सही भी लग रही है, खाते हैं भाई, चले भाई हैं, भूख तो लग रही भाई, और गर्म पानी भी है यहाँ। देखो भाई 250 में भरपूर वाला थाली है, टेस्ट तो सही है। ये तेरे भाई का 3रा बार है और मैं लिटरली मैं खा ही नहीं पा रहा, सही में झूठ नहीं। भाई आपका कितना बार है? दूसरा हो गया, पेट भर गया, मैं फटे यार ले लिया हूँ खाने मन कर। भाई इसको रखेंगे कहाँ वैसे थाली को? भाई छोड़ना है यहीं पे। अरे लेकिन वो बोला था यार खाना ना मत छोड़ना कर, वो है भाई उसमें डाल रहे सब। भाई जल्दी से डाल लेता हूँ, पता है इसको वहाँ उसी पे, या फिर वो लोग बकेंगे नहीं मेरे को। जाओ जाओ, ऐसे जाऊँ ऐसे डालूँ? ठीक भाई। भाई भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, थाली पलट ले रहा है भाई, खा लिया तो मामा मैं काम करता हूँ। वो वाला मैं रख लेता हूँ, करना 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 करना। अबे ये मेरा है यार, कहाँ ला दिए। ठीक है भाई, ये तेरा भाई का है, ठीक है ना, तेरा भाई खाना ना नहीं छोड़ता, ठीक है, समझ रहे हो ना, अन्न ही पुण्य है, अन्न पुण्य है, फेंकना नहीं है ना, फेंकना नहीं। चल हाथ धो वो चुपचाप, हो गए नंगत के खा डले, सबके सब खाना छोड़ दिए यार। हम लोग बस नहीं छोड़े भाई, अपन ने पूरा खाया, भरपूर मिल रहा है, इसका मतलब हमने फायदा नहीं उठाया है, ज़्यादा लेके उसको छोड़े नहीं है, जितना मन था उतना खाया।
अभी गर्म पानी में बस पानी पीना निकलना है।